करिए, योग्यता लीव हो गई क्लास से, बट हम लोग 1 मिनट का वेट करेंगे बिकॉज वो स्टार्टिंग से क्लास में थी, तो उनको क्वेश्चन आंसर उन्होंने किया ही हुए हैं। तो चलो, क्या आ गई योग्यता आप? पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम दे रहा था ये। नहीं, योग्यता नहीं आई अभी, परी आई है। कोई ना, योग्यता को ज्वाइन करने दो, तब तक हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं फटाफट से। क्या है टू मेन कॉम्पोनेंट दैट, गुड इवनिंग गुड इवनिंग दीक्षा, दैट डिटरमाइन द वॉटर पोटेंशियल आर, कौन कौन से कल हमने पढ़े थे? सोल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ये अभी सब आपने आंसर दिए हैं, इसीलिए बस मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ, सो दैट ये रिकॉर्डिंग में आ जाए जब भी आप इसको देखें। द वॉटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वॉटर इज, बोलो बोलो, आप लोग ऑप्शन में मतलब लिख सकते हो आंसर वैसे, जीरो जीरो, ठीक है। द वॉटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वॉटर डिक्रीजेज ऑन एडिशन ऑफ, मैम सॉल्यूट बिल्कुल सही, सॉल्यूट। सॉल्यूट पार्टिकल्स टेंड टू क्या करता है वो, इंक्रीज इंक्रीज करता है, डिक्रीज डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है डिक्रीज उससे। हाँ, वॉटर टेंड्स टू मूव इनटू सेल, हैज इनटू अ सेल दैट हैज, कैसे मूव कर रहा था क्या अभिषेक जी, क्या आंसर होगा इसका? मैं मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव पोटेंशियल, क्या बात है, वेरी गुड जी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि सेल ए का वाटर पोटेंशियल -3 है, सेल बी का वाटर पोटेंशियल -8 है, तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी? ए से बी में। कैसे पढ़ा था हमने? 0 देन -10 -100 -1000 फिर हमारा -10,000। के पता है ना, 1000 को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये हमारा मूवमेंट ऐसे था। अब आप इसमें कोई भी वैल्यू दे दो, हम कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरीबा, अरीबा आई नहीं, अभिषेक है वो, मुझे लगा अरीबा है। अरीबा तुम्हारी बैच में है ना? नहीं, चलो जी कोई और बच्चा थी, वो अरीबा 12th की नहीं, हाँ 12th की है वो, एक्चुअली बहुत क्वेश्चंस पूछती है ना, तो इसीलिए मुझे उनका नाम याद रहता है। चलो इसमें क्या, इसका क्या आंसर होगा? क्या पढ़ा था अभी हमने? वॉटर पोटेंशियल का फॉर्मूला सी, सॉल्यूट पोटेंशियल। चलिए इसका क्या था हमारा? द प्रेशर एग्जर्टेड बाय प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर अगेंस्ट द रिजिड सेल वॉल, उसे हम कहते हैं मैम प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। हाँ जी, क्या बात है अभिषेक जी, पढ़ के आए हो या आंसर पुराने देख के आए हो? सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट। चलो जी आगे बढ़ जाओ, इसमें क्या था? द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हमारा प्रेशर ग्रेडियंट। The osmotic expansion of cell kept in water is chiefly regulated by vacuoles. और यहीं पे हमारी जो कहानी है वो हो जाती है खत्म। तो हमारा 5 मिनट का रिविजन सेशन इज ओवर, नाउ वी विल गो टू दी चैप्टर, ठीक है। कहाँ है, कहाँ है, दिख रहा है क्या किसी को? ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है। चलो जी, आपके क्वेश्चन आंसर्स के बहाने ही आपको क्या है, पूरा का पूरा इसका जो रिवीजन है वो मिल गया है, तो आई डोंट थिंक सो कि अब हमें दोबारा से रिवाइज करने का कुछ भी जरूरत है। ये कल के क्लास में हमने क्या बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, बट वो आपको समझाना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने सिर्फ दो टॉपिक्स पढ़ा के छोड़ दिए थे आपको। वन वॉज योर ऑस्मोसिस, अनदर वॉज हमारा वॉटर पोटेंशियल। नाउ सबको प्लांट वॉटर रिलेशन एंड ऑस्मोसिस बहुत ही अच्छे से पता है। अपना एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, देखो मैं तुम्हें कहानी की तरह पहले समझ लेते हैं एक्सपेरिमेंट को, फिर हम बताएंगे कि क्या बोलते हैं आपको लिखना कैसे है, ठीक है। ये भी ऑस्मोसिस का ही एक्सपेरिमेंट है। अब ऑस्मोसिस में आपको पता है किस चीज का इंपॉर्टेंस है हमारे पास मैम? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा रोल है, करेक्ट। ये बात हमें बिल्कुल क्लियर है। देखो यहाँ पे ना दो एक्सपेरिमेंट्स किए गए बच्चे, ऑस्मोसिस वाले एक्सपेरिमेंट में दो एक्सपेरिमेंट किए गए, पहला है ए और पहला दूसरा है बी। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे पता है क्या हुआ कि आपने ना एक सॉल्यूशन, एक तो प्योर वाटर लिया ऐसे, ठीक है, इसमें क्या है मतलब हमारा प्योर वाटर है, कुछ भी अनसन मिक्स नहीं है। इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा मैम? वाटर पोटेंशियल मैम इसका हमारा जीरो होगा। दूसरा आपने क्या किया ना, एक फनल डाली है, फनल समझते हो ना, एक फनल डाली है, फनल यूजली ऐसे करके होती है, ठीक है, बट यहाँ पे हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना था तो हमने फनल उल्टी कर दी, और वो भी उल्टी करने से पहले क्या किया है, इसके ना मुंह पे एक कपड़ा बांध दिया है, एक मेम्ब्रेन का, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे हम, एग का शेल,
ठीक है, एक्सेल मेम्ब्रेन है जो कि क्या है, सेमी परमेबल है, कुछ को अलाउ करेगी और कुछ को अलाउ नहीं करेगी। ठीक, ऐसे ही पढ़ते हैं हमने। हमने सेमी परमेबल का इंपॉर्टेंस क्यों पढ़ा है ऑस्मोसिस में, क्योंकि वो सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करेगी, सोल्यूट को अलाउ नहीं करेगी। यही पढ़ा है? हाँ जी मैम, यही पढ़ा है हमने। चलो देखो कहानी क्या हुई यहाँ पे। यहाँ पे हमने इस फनल का कर दिया मुंह बंद, ठीक है, और इस फनल के माउथ पे यहाँ पे हमने लगा दिया एक कपड़ा, किसका, एग शेल मेम्ब्रेन का। ठीक है मैम, अगली कहानी क्या हुई हमारी मैम, हमने इसमें ना एक सोल्यूशन बना के डाला है, ये है सॉल्वेंट सिर्फ, ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या है, सिर्फ वाटर है, मतलब क्या है, प्योर सॉल्वेंट है जिसका वाटर पोटेंशियल जीरो है। यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन है, तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा मैम, कोई भी वैल्यू ले लो आप, नेगेटिव में, है ना, कैसा होगा बच्चा, नेगेटिव में होगा। अब हमने क्या किया ना, इसको उल्टा करके डाल दिया इसमें, ऐसे करके हमने मैम इसको इसमें यू करके डाल दिया, करेक्ट, ऐसा ही कुछ दिख रहा है ये आपको। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, यहाँ पे मैम हमने कल की क्लास में भी पढ़ा था कि ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो इसका ये माउथ वाला पार्ट था वो कैसा था बच्चा, वो हमारा मैम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन था। तो हमने कल एक चीज पढ़ी थी, क्या हमने कल मैम एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, याद है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हुआ बच्चे, आपको पता है, देखो दो चीजें हैं। अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि अब इस एक्सपेरिमेंट में आगे क्या हुआ होगा, एनीवन इन द क्लास, हाय प्रियंका वेलकम टू द क्लास, एनीवन इन द क्लास क्या चल रहा होगा इस एक्सपेरिमेंट में मैम, जो वाटर होगा वो फनल के अंदर एंटर करेगा। बिल्कुल सही योग्यता, तुम लोग बड़े अच्छे बच्चे हो गए यार, एक ही डांट में सुधर जाते हो, पहले बता देते, मैं पहले डांट देती सबको। बिल्कुल सही बोला योग्यता ने की मैम, ये हमारा सॉल्वेंट है और यहाँ से पानी जो है वो अंदर मूव करेगा, ठीक है, और कब तक मूव करेगा, जब तक दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाता, ठीक है, तभी आप देख रहे हो लेवल कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। ये एक्सपेरिमेंट सबको समझ में आया, पहला, ये पहला पार्ट है इस एक्सपेरिमेंट का, ये रीडिंग एक बार मार लेना, बिल्कुल यही चीज है जो बता रहे। अब देखो दूसरा एक्सपेरिमेंट, वो भी यहीं पे ही समझ लो, ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट ये रहा बी वाला। यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया बच्चे, यहाँ पे मैम इन्होंने क्या किया है, ऊपर से ना एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, क्या बोलते हैं हम इसे, एक्सटर्नल फोर्स, बाहर का, बाहरी उससे फोर्स लगा रहे हैं, क्या कहा हमने इसको, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, जिसको हम प्रेशर कह रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स या फिर आप उसे प्रेशर बोलो, एक ही बात है, ठीक है, हमने ना बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, जिससे क्या हो रहा होगा, बोलो बोलो क्या लग रहा है, क्या हो रहा होगा, कहाँ गई वो लड़की, ईशा, ईशा, प्रिया, बोलो जी क्या हो रहा होगा, अभिषेक आप दिमाग लगा पाओगे, बोलो, नहीं मैम जितना आप दिमाग लगवाती हो उतना ही समझ लें, बहुत बड़ी बात है मैम, जो वाटर अंदर आ रहा है वो कैचअप करने से बाहर जा रहा होगा, मतलब अभी तक कोई नहीं बोला, जब बोला तो दो एक साथ, चलो पहले पहले ईशा आप बोलो क्या कह रही हो, मैम जो वाटर अंदर आ रहा होगा वो प्रेशर की वजह से वापस बाहर जा रहा होगा, ठीक है कहीं ना कहीं तक ठीक हो, और प्रिया आप बोलो आप क्या कह रहे हो, प्रिया, मैम जो फनल के अंदर सॉल्यूट है उसमें प्रेशर लग रहा होगा, बिल्कुल सही, ठीक है बिल्कुल ही सही बोला इस लड़की ने। देखो मैम क्या हो रहा है हमारे साथ, हमने मैम क्या किया, कुछ इस तरीके से हमारा ये बहुत ही अच्छा वाला फनल वाला एक्सपेरिमेंट चल रहा था, हमने मैम ये रहा फनल यू, ठीक, हमने बाहर से इसमें एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, जिससे क्या हुआ, कौन मूव कर रहा है, सोल्यूशन पूरा मूव कर रहा है, राइट, जैसे पिचकारी नहीं होती हमारी, ठीक है, अब तुम लोग बड़े हो गए हो फिर भी कुछ लोग तो खेलते हैं ना पिचकारी में, क्या करते हैं पीछे से पानी को, मतलब एक्सटर्नल फोर्स से तो लगाते हैं, वही काम यहाँ चल रहा है, ठीक है, कि इफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ फनल, ओके मैम, नो वॉटर डिफ्यूजन इन टू द फनल थ्रू द मेंबर, कि कोई भी, हाँ जी, कोई भी वॉटर जो है वो हमारे इसके अंदर नहीं आएगा,
करेक्ट, यही आप लोग भी बोलना चाह रहे थे कि अभी तक जो हम कह रहे थे एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वॉटर की एंट्री विल बी बैन। समझ में आया दूसरा पॉइंट? जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, वॉटर की एंट्री मूव करना बंद हो जाएगी। अब इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं मैम, बड़े बड़े शब्दों में याद करो, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या याद रहेगा आप लोगों को ये चीज? याद रहेगी, है ना? मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाई, वो भी तुम्हारे ही भाषा में। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। इफ एन एक्सटर्नल प्रेशर इज, गुड इवनिंग विवेक जी, कहाँ थे? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपने मिस कर दिया है। हमने क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी की है और इसका एक एक्सपेरिमेंट भी खत्म कर दिया। चलो, क्या है कि अगर हमने बाहर से, एक वीडियो जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे ये पार्ट खत्म होने वाला है, नेक्स्ट फ्रेश टॉपिक स्टार्ट होगा आज, ये कल वाला पार्ट है, ठीक है? क्या कह रहा है ये कि अगर हमने बाहर से कोई फोर्स अप्लाई किया तो कोई भी पानी, वाटर जो है, अभी तक जैसे हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा कि पानी अंदर आ रहा था, तो कोई भी पानी हमारा अंदर नहीं आएगा, सॉल्वेंट अंदर नहीं आएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि वो प्रेशर जो हमारे पानी को डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू अंदर आने से रोक दे, उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इतना तक हमें मैम बिल्कुल आपने समझा दिया, वी आर वेरी मच क्लियर। अगला क्या कह रहे हैं, दिस इज द फंक्शन ऑफ सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि यहाँ पे जो सॉल्यूट है ये उसी का फंक्शन है, ठीक है मैम। मोर द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ध्यान से सुनो अब ये बात, ये बहुत ही स्टार वाला मार्क है, ठीक है। मोर द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, जितना ज्यादा सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा, किस चीज के लिए? टू प्रिवेंट वाटर डिफ्यूजन। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अभिषेक, कैन यू रिपीट दिस लाइन, फिर से बोल सकते हो या मैं एक बार रिपीट कर दूं? जल्दी बोलो मैम। कौन सी लाइन? जो जस्ट मैंने अभी बोली, ये लास्ट की 3 लाइन, इसका हिंदी वर्जन, रीडिंग करने को नहीं बोला मैंने, हिंदी वर्जन, जिससे कि विवेक को समझ में आ जाए। मैम वो आप ही कर दीजिए। चलो जी, देखो मैंने आपको इतना समझाने का कोशिश किया है कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया, ठीक है, कि मैम हम जब बाहर से कोई प्रेशर लगाते हैं जिससे कि हमारा पानी, जो यहाँ वाला पानी है, वो अंदर नहीं आता है, उससे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये क्या कह रहे हैं कि जब ना यहाँ पे, देखो खुद से सोचो ना बच्चे, कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा अब, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, ये जो आपको दाने दाने दिख रहे हैं ये सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है मैम कि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ऐसे याद करो यहाँ पे पॉइंट बना के, मोर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जब ज्यादा सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन होगा क्या होगा मैम हमारा, क्या होगा? ग्रेटर विल बी द प्रेशर। कौन सा प्रेशर? एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो हाई एक्सटर्नल प्रेशर, इतना लिख लोगे, है ना। और इसी के साथ क्या होगा, हाई एक्सटर्नल प्रेशर, और साथ ही साथ हमारे मैम क्या होगा, मतलब हमें ज्यादा, ये दोनों ही साथ में आपको लाइन लिखनी है कि जितना ज्यादा सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा हमें एक्सटर्नल प्रेशर चाहिए। किस लिए चाहिए, किस लिए चाहिए? क्यों ईशा, बोलो बोलो। वाटर डिफ्यूजन को प्रिवेंट करने के, बिल्कुल सही, टू प्रिवेंट वाटर डिफ्यूजन, प्रिवेंट वाटर डिफ्यूजन। विवेक समझ में आया आपको ये लाइंस? आप थोड़ा लेट आए थे, बट आई होप ये लाइन समझ में आ गई होगी, है ना। चलो अब क्या कह रहे हैं, न्यूमेरिकली, क्योंकि ये तो चलो ठीक है कहा, लिखने वाली बातें होगी, बट न्यूमेरिकली क्या होगा मैम? हाँ जी योगिता, आपने कुछ पूछना है मैम? हाँ मैम, जो ये वाटर इसमें लिखा हुआ है वाटर डिफ्यूजन, तो मैम ये वाटर ऑस्मोसिस होता है ना वाटर का, तो एक ही बात है योगिता। अब हम जब यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, तो ये एक ही बात है, चाहे आप वाटर डिफ्यूजन बोलो चाहे आप ऑस्मोटिक प्रेशर बोलो, ठीक है। चलो फिर क्या कह रहे हैं, न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बराबर ही होता है, बट अंतर कहाँ आता है, ये बात रट लेना, जिसे कहते हैं ना नोट बना लेना, कि आपको चाहे जिस तरीके से किसी को कोई कोड वोड आ रहा हो तो वो भी बता सकता है, मुझे भी। हाँ मैं ही कोड बता देती हूँ तुम्हें, ठीक है। कैसा कोड मैम, देखो
ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक तो दोनों में आ रहा है ठीक है। और ये एक छोटा सा बच्चा होगा ना कोई 10 साल का, उसको भी याद रहेगा तुम्हारे साथ में कि ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक है वो कैसा होगा, प्रेशर में एस है और पॉजिटिव में भी एस है। ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा पॉजिटिव रहेगा मैम, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या यहाँ पे एस है? नो मैम यहाँ एस नहीं है, तो ये नेगेटिव रहेगा। हमें पता है ना कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहता है, तो बस यही कहानी है। ये हो गया हमारा यहाँ का पार्ट खत्म। अब इस वाले पार्ट को समझो बहुत ध्यान से, ऑल्दो मैं तुम्हें कल ये वाला पार्ट जो है बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ ठीक है। चलो जी चलो जी, यहाँ पे हमारे पास ना क्या होगा, तीन कहानियां हैं। तीन कहानियां क्या मैम? एक सेल ये रहा, दूसरा सेल ये रहा और तीसरा सेल ये रहा। अब आपको सीखना पहले ये है कि इनमें क्या क्या हो रहा है। देखो कहानी हमारे साथ ये होगी मैम कि आपने ना इस वाले इसको क्या रखा, जैसे सपोज कर लो लोहा ठीक है। मैं सिर्फ सपोज करने के लिए बोल रही हूँ, प्लीज कोई इसको डायरेक्ट रिलेट नहीं करेगा ठीक है। ये सपोज आयरन है ठीक है, तुमने आयरन को क्या करा, पानी में डाल दिया प्लस वाटर के साथ रखा, कोई फर्क पड़ेगा आयरन पे? या प्लास्टिक ले लो, ये रूबिक क्यूब ले लो ठीक, इसको मैंने पानी में लेके डाल दिया, कुछ होगा इसमें क्या? ये बढ़ेगा घटेगा कुछ होगा? कुछ नहीं होगा मैम। तो इसे हम क्या कहते हैं, साइज उसका कैसा रहेगा? सेम साइज रहेगा ठीक है। सेम साइज को अगर बनाना है तो हम कैसे बना लेते हैं ठीक है, सेम साइज लगभग बराबर ही है, इसके अंदर ही लिख देती हूँ ठीक है कि ये मैम सेम साइज रहेगा, चाहे जितने मर्जी टाइम के लिए उसमें आप रख दो। सेम साइज का यहाँ मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये मैम एक तरीके के आइसोटोनिक सेल में रहेगा। आइसोटोनिक सेल में रहेगा, आइसो मतलब जिसमें ना कुछ अंदर आएगा और ना अंदर से कुछ बाहर जाएगा। समझ में आई इतनी बात, छोटी सी बात ठीक है। अब दूसरी कहानी क्या है हमारे साथ, दूसरी कहानी ये है हमारे साथ कि अगर सपोज करो तुम क्या करो ना, तुमने आप सब लोग सॉरी आप लोगों ने सेल देखे होंगे अभी तक, तो स्कूल में एक्सपेरिमेंट हो गया होगा ना, अनियन वाला प्याज वाला सेल देखा है ना, नहीं हुआ कोई ना चलो ठीक है। देखो यूजुअली क्या होता है ना, अगर सपोज करो ना योग्यता क्या है कि अगर आपका कोई सेल है, जब तुम्हारी मैम करवाएंगी ना उसको क्या कर देना, नमक का पानी लेके जाना घर से या लैब में बना लेना ठीक है, जिसे हम कहते हैं ना हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला, नहीं लो कॉन्सेंट्रेशन वाला। आपने एक सॉल्यूशन में डाला तो वहां पे क्या हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरटॉनिक ठीक है, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन ठीक है। हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन मतलब क्या, जिसका क्या होगा, जिसमें आपके पास सॉल्ट का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा ठीक है। तो ये सेल क्या हो जाएगा बच्चे, खुद से सोचो, तुम्हारे सेल के ऊपर अगर मैंने कुछ नमक का पानी जैसा डाल दिया तो क्या हो जाएगा, सेल हमारा सुकुड़ जाता है, क्या कहते हैं, श्रिंक कर जाएगा हमारा सेल जो होगा वो मैम थोड़ा सा श्रिंक कर जाएगा। जैसे कल का हमने एग्जांपल पढ़ा था, क्यों कौन सा वाला मैम, खजूर वाला, याद है जो हमारा खजूर वाला एग्जांपल था, वो क्या होता है, किशमिश कैसे बनती है, पानी निकल जाता है राइट, हम ड्राई कर लेते हैं उसे। और बाकी अगर आप और भी एग्जाम्पल देखना चाहो ना तो बहुत सारे सीड्स, जैसे आपका मटर का प्लांट होता है ठीक है, मटर आपकी कैसी होती है, यूजुअली हरी कलर की, ग्रीन कलर की, बट आपको यहाँ आपको पता होगा सब लोग वो खाते हो ना टिक्की बताशे वगैरह, उसमें वो जो मटर डालते हैं वो कैसी होती है, येलो कलर की, तो वो भी तो उसी से बनती है ना, या उसका कहीं और से ओरिजिन है, वो भी मैम उसी से बनती है। और सारी तरीके की आप दालें देख लो है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम की जो दालें होती है वो स्टार्टिंग में कैसी होती है, कच्ची रहती है पहले राइट, जैसे मूंगफली भी होती है ठीक है, मूंगफली आई डोंट नो आप में से कितनों ने देखी है, मूंगफली पहले कैसे होती है, थोड़ी गीली गीली रहती है, लॉन्ग टाइम के जब हम उसे रोस्ट वोस्ट करते हैं तब वो जाके हमारी सूख जाती है। तो वहां पे क्या हुआ, पानी हमारा निकल गया, सेल हमारा श्रिंक कर गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तो हमारा बिल्कुल किशमिश वाला एग्जाम्पल है कि अगर आपने राजमा को चने को किशमिश को पानी में भिंगो दिया ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब मोटा वाला ठीक है, हाइपो ठीक है, हिप्पो वाला होता है ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आपने रखा तो ये क्या हो जाएगा, अपने साइज से बड़ा ठीक है। अब ये तीनों अगर आपको समझ में आ गए हैं, पहले मुझे बता दो क्लियर है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या रिजल्ट करेगा, नो चेंज, क्योंकि मैम ना कुछ अंदर आ रहा है ना बाहर जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है मैम, यहाँ पे धड़ाधड़ पानी बाहर जा रहा है ठीक, सेल हमारा क्या हो रहा है मैम, श्रिंक कर रहा है, सूख रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है मैम, पानी बहुत स्पीड से अंदर आ रहा है।
तो इसलिए सेल हमारा क्या हो गया, मोटा हो गया। ये जनरल भाषा वाला आप लोग समझ पा रहे हो सारे के सारे, यही हमारा पूरा प्लाज्मोलिसिस है। देखो जी अब तीनों को पढ़ लेते हैं फटाफट से अंग्रेजी वाली लैंग्वेज में जो आपको लिखना है, मैम को समझा के आए। ऑल क्लियर प्रियंका, वेरी गुड। चलो क्या कह रहे हैं ये कि इफ एन एक्सटर्नल सॉल्यूशन, ठीक है, जो ये मैंने तीन सॉल्यूशन आपके लिए लिए है ना, हम इसको नाम क्या देते हैं, एक्सटर्नल सॉल्यूशन। जो ये पानी 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 मैं आपको बोल रही थी उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल सॉल्यूशन, ठीक है। कि अगर हमारा एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस करता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म, जो हमारा साइटोप्लाज्म का ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको बैलेंस करके रखता है, तो उसे कहते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बैलेंस करने का मतलब क्या हुआ, ना अंदर से कुछ बाहर आएगा ना बाहर से कुछ अंदर जाएगा, इसी को तो कहोगे है ना। हाँ मैम इसी को कहेंगे। अब इसको और भी ज्यादा क्लियर कर लो कि व्हेन अ सेल और टिश्यू इज प्लेस्ड इन अ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जब हम किसी सेल को या टिश्यू को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वहां पे कोई भी फ्लो नहीं होता हमारे वाटर का, ठीक है, ना ही अंदर ना ही बाहर, क्योंकि वाटर फ्लो कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। तो इस टाइप के सेल्स को हम कहते हैं फ्लैसिड सेल्स, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या मैम, दिस इज नोन एज फ्लैसिड सेल, ठीक है, ये है मैम हमारा फ्लैसिड सेल। एक और पॉइंट याद हो गया, बोलो जी, ये हमारा एक्सटर्नल वाटर है, ठीक है, या एक्सटर्नल सॉल्यूशन, वाटर नहीं सॉरी, ठीक है, अगर हमारा एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस कर रहा होता है हमारे साइटोप्लाज्म ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म को, तो उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्योंकि मैम हम उस टाइप के सॉल्यूशन में अगर किसी सेल को रखते हैं तो वो क्या हो रहा है, ना कुछ चीज अंदर आ रही है ना कुछ चीज बाहर जा रही है, सेल हमारा वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। तो वाटर फ्लो कैसा है, इक्विलिब्रियम पे है, तो इस टाइप के सेल को हम फ्लैसिड कहते हैं। अब दूसरा देखो, इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज डाइल्यूट, अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स कैसा है बच्चा, डाइल्यूट है, ठीक है, हाई वाटर पोटेंशियल होगा, ठीक है। अगर ये कैसा है, आपने पढ़ा है ना अपने वहां पे डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड वाला, दो पार्ट आपने पढ़े होंगे है ना, डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड पढ़ा है, हाँ जी मैम पढ़ा है, राइट। तो डाइल्यूट हमारा कैसा है, जैसे हमारा नॉर्मल पानी ही रख लो, ठीक है, तो डाइल्यूट हमारा क्या है, जो नॉर्मल पानी जैसा है। तो अगर हमारा जो सॉल्यूशन है एक्सटर्नल सॉल्यूशन, आपको अगर ना शॉर्ट में ही करना है इसे, तो आप हर बार यही लिख सकते हो, कैसे, एक छोटा सा चार्ट बना लेना, कैसे, एक्सटर्नल सॉल्यूशन, ठीक है, सेल, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एक्सटर्नल सॉल्यूशन टाइप, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा टाइप हो जाएगा, जस्ट वन सेकेंड बच्चा, चलिए जी, क्या मैंने आपको बोला कि हमारे पास मैम एक एक्सटर्नल सॉल्यूशन है, यहाँ पे कैसा मैम सॉल्यूशन है हमारा, कि वो सॉल्यूशन हमारे सेल को कैसे रखेगा, नो नेट फ्लो, ठीक है, कोई भी हमारा फ्लो नहीं होगा, तो वो सेल टाइप कैसा हो जाएगा हमारा मैम, सेल टाइप हमारा मैम आइसोटोनिक रहेगा, ठीक है, आइसोटोनिक रहेगा, सेल के शेप में कोई चेंज नहीं होगा। फिर हमारे पास दूसरा कौन सा है मैम, एक्सटर्नल सॉल्यूशन कैसा है मैम, डाइल्यूट हो गया, ठीक है, वो हमारा मैम डाइल्यूट हो गया, तो डाइल्यूट में हमारा सेल टाइप कैसा हो जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और सेल का साइज में क्या जाएगा, सेल का साइज मैम हमारा इंक्रीज हो जाएगा, साइज जो है वो मैम इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे नो चेंज हो जाता है। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारा हो जाएगा कि अगर हमारा एक्सटर्नल सॉल्यूशन कैसा है मैम, कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, तो ये टाइप कैसा है मैम, हाइपरटोनिक है, और यहाँ पे हाइपरटोनिक, और यहाँ पे हमारा सेल कैसा हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है, सेल का साइज कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, एक ये जो हमारा हाइपोटोनिक वाला है बच्चा, दिस वन, इस वाले को हमने पढ़ा था फ्लैसिड, सॉरी, ठीक है, इस वाले को हमने पढ़ा था क्या, अभी पढ़ा था फ्लैसिड, राइट, और ये हमारा कल हमने पढ़ा था टर्जिड, याद है, चलो जी, और यहाँ पे लिखना सेल श्रिंक, इतना छोटा सा साइज बना के आ जाना, ठीक है, ये सेल का नेम, ये सेल का टाइप,
ये सेल का साइज पे क्या फर्क पड़ेगा और ये सॉल्यूशन। ठीक, कहानी खत्म यहाँ पे हमारी। देखो जी सारा चीजें वहीं पे वही चीजें लिखी हुई हैं। हाँ, व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाटर मूव्स फ्रॉम द सेल। हाइपोटोनिक मतलब क्या, हाइपोटोनिक मतलब सॉरी हाइपरटोनिक, हाइपोनिक, हाइपो से याद रख लो कि मोटा हो जाएगा। ठीक, हाइपो से क्या हो जाएगा मैम, मोटा हो जाएगा। अब ये अच्छा मुझे पहले बताओ, ये आप तीनों बता पाओगे कि कौन सा आइसोटोनिक का है मैम? एक का नाम हमें को नहीं, हमें अभी तक नहीं पता था, वो भी पता चल जाएगा आपको। एक हमारा हाइपर था और एक हाइपो है। एबीसी में कौन से कौन है, ए क्या है? अच्छा फ्लैसिड कौन सा होता है, फ्लैसिड कौन सा होता है, हाइपो या आइसोटोनिक? फ्लैसिड हमारा आइसोटोनिक है, बिल्कुल सही विवेक जी। ठीक है, क्योंकि सेल में मैम कुछ ना, ये देख रहे हो दोनों साइड से एरो है, ना कुछ अंदर ना कुछ बाहर। ठीक ठीक है मैम, अब ये दिखा रहा है मैम कि पानी धड़ाधड़ अंदर आ रहा है, तो सेल कैसा हो गया, टर्जिड। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक, इतने अच्छे से समझ में आ गया, ये मैम हमारा हाइपोटोनिक हो गया। और लास्ट, अभी तक हमें नाम नहीं पता था हाइपरटोनिक मैम, आपने क्योंकि बताया नहीं था, क्योंकि मैम धीरे धीरे पढ़ा रही है आपको। तो ये कौन सा हो गया, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, जो हमने यहाँ पे लिखा था, और यहाँ पे आप लिख लोगे हाइपरटोनिक। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्लाज्मोलाइज्ड सेल श्रिंक की जगह, ये हो गया मैम प्लाज्मोलाइज्ड। खत्म कहानी। और ये रहा हमारा सेल का डायग्राम। देखो प्लाज्मोलाइज में आप देख पा रहे हो कि प्लाज्मोलाइज में क्या हुआ, पानी बाहर गया, यहाँ पे पानी ना अंदर आया ना बाहर गया, और यहाँ पे कहा पानी अंदर आ गया। क्लियर है ये डायग्राम सबको? यस मैम। ठीक है, तो ये डायग्राम अगर क्लियर है तो ये लाइंस आप दो मिनट में खुद से पढ़ लोगे, आपको सारी समझ में आ जाएंगे। ठीक, अब आता है यहाँ पे थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट वाला पार्ट। ठीक है मैम, वो क्या पार्ट कि अगर आपने कभी देखा होगा, अभी गर्मियों के सीजन में तो बहुत ज्यादा होता है, कब आप लोग के घर के बाहर या आसपास में कहीं, मतलब बड़े वाले पेड़ नहीं छोटे वाले, ठीक है छोटे वाले, आप लोगों ने गमले में कुछ पौधे वगैरह रखे होंगे, पर जिस दिन गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो मम्मी क्या करती है, सुबह भी पानी देती है शाम में भी पानी देती है, और जब तक शाम में पानी देने का नंबर आता है तब तक हमारा पानी कैसा हो जाता है, पौधा सॉरी हमारा पौधा कैसा हो जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है मैम, क्योंकि सारा पानी उड़ गया। ठीक है, क्या हो गया मैम, प्लाज्मोलाइज्ड हो गया हमारा पानी। ठीक है, तो इसीलिए हम जब पानी डालेंगे उसमें तो वो वापस से टर्जिड हो जाएगा। अब ये अंदर आपको दिखा रहा है कि सेल के कौन से पार्ट में चेंज हो गया, देख रहे हो जो हमारा सेंट्रल वैक्यूल था वो कितना ज्यादा श्रिंक कर गया, क्या हो गया, श्रिंक कर गया, जैसे कहते हैं वो कपड़ा निचोड़ दिया, तो वही यहाँ पे हुआ हमारे पास। चलो जी अब लाइन वाइज लाइन पढ़ लें कि प्लाज्मोलिसिस नाम क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल मतलब यहां से यहां भी पहुंच सकता है, यहां से यहां भी हो सकता है, यही मतलब होता है। ठीक है मैम, ओके देखो यहां तक हम लोग के पास डेफिनेशन थी, वो डायग्राम और ये पूरा, ठीक है पूरा प्लाज्मोलाइसिस को इसने एक्सप्लेन कर दिया है। उसके अलावा जो आपको याद रखना होगा यहाँ पे, अब है ये वाला पार्ट, ये वाला डायग्राम एक, ठीक है एरोज याद रखने हैं बच्चे आपको, सिर्फ और सिर्फ एरोज, नथिंग एल्स। ठीक चलो अब लास्ट इस वाले को भी देख लो, आई गेस ये खत्म हो जाएगा, हाँ फिर हमारा एम्बिशन स्टार्ट हो जाएगा। प्लाज्मोलाइसिस कैसा है मैम, रिवर्सिबल है। ठीक है मैम, व्हेन द सेल आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब सेल मोटे होने वाले हैं, ठीक है वाटर डिफ्यूजेस इनटू द सेल। ठीक है मैम, यही तो आपने पढ़ाया है कि जब हमारा इसको हम ऐसे पानी में रखते हैं जो, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशंस के नाम अगर डाल देते ना तो सब खिचड़ी बगर बन जाती और तुम्हें याद समझ में आता नहीं, वो अलग। तो हमारा सेल मैम मोटा हो जाता है, क्यों, क्योंकि पानी जो है अंदर मूव कर रहा है, ठीक है चारों डायरेक्शन से वो अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, एज अ रिजल्ट The cytoplasm build up a pressure against the wall. कैसे हुआ मैम, वही जो कल हमने कहानी पढ़ी थी याद है, टर्गर प्रेशर, कि पानी अंदर आया कहां पे, उसकी सेल वॉल पे टर्गर प्रेशर पड़ा, यही पढ़ा था कल हमने, सेल वॉल पे प्रेशर पड़ता है जिसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर, क्यों, क्योंकि पानी अंदर आया और हमारी जो सेल वो है उस पे हमारे पास प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है जी, चलिए जी जस्ट वन सेकेंड, चलो जी फिर क्या कह रहा है ये, फिर कह रहा है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर अगेंस्ट द रिजिड वॉल इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल। अब ये जो हमारा प्रोटोप्लास्ट,
अब किसका रोल बता रहे हैं हम बता रहे हैं मैम प्रोटोप्लास्ट का रोल, कि जो हमारा ये प्रोटोप्लास्ट है वो पानी को क्या कर रहा है, अंदर एंट्री दे रहा है. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू एंट्री ऑफ वॉटर. ठीक है, क्योंकि उनकी सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है, पता है आपको, सेमी परमेबल होती है, पता है आपको, हर एक सॉल्यूशन को वो नहीं एब्जॉर्ब कर सकती. अब आप क्या करो ना, कि अगर आपने किशमिश को लेके तेल में डाल दिया, रिफाइन में या जो भी आपके घर में अवेलेबल है, आपको क्या लगता है कोई चेंजेस होने वाले उसमें? नो मैम, कोई चेंजेस नहीं होंगे. क्यों? है तो वो भी लिक्विड, क्योंकि मैम वो उसके लिए परमेबल नहीं है, वो सेमी परमेबल है. जो हमारी जो सेल वॉल हम लोग या प्लाज्मो मेम्ब्रेन जो हम पढ़ते हैं, वो मैम सेमी परमेबल है, हर एक को एंट्री नहीं दे रही है, पानी को वो एंट्री दे रही है. ठीक है, तो ये वही चीज है. तो वो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू एंट्री ऑफ वॉटर, वॉटर की वजह से जो उसकी रिजिड सेल वॉल्स हैं उन पे प्रेशर पड़ रहा है, इसे हम कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल. कुछ इस तरीके से दिखता है. ठीक है, द सेल डज नॉट रप्चर्स, इसकी वजह से सेल हमारा रप्चर नहीं होता है, ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल. हमारी सेल वॉल रिजिड होती है, इस वजह से वो फटता नहीं है. फटता नहीं मतलब क्या, कि वरना पानी अंदर आता रहता है, जैसे हमारा बलून नहीं होता है, फट से फट जाता है. गुब्बारे में अगर तुम पानी भरोगे तो क्या होता है, एक पॉइंट तक ही भर रहा होता है, उसके बाद वो ऐसे करके बूम से हो जाता है. तो वही हाल है, टर्गर प्रेशर कॉजेस द एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल. टर्गर प्रेशर क्या करता है, हमारा सेल को एनलार्ज करता है. ये देखो वही चीज है, कि अगर इस वाले में पानी हमने डाल दिया तो ये ऐसा हो जाएगा, और इसमें से पानी लॉस कर दिया तो ऐसा हो जाएगा. सेम इज गिवन है. तभी हमने पहले वाले पहला ही लाइन कह दिया है कि प्लाज्मोलिसिस कैसी है, रिवर्सिबल प्रोसेस है. चलिए जी, आगे कहानी क्या है हमारी, आगे कहानी जो अभी तक आपने पढ़ी थी ना वही है, सेम इम्बाइबिशन. क्या है मैम इम्बाइबिशन भी, इम्बाइबिशन भी बच्चा वही है जो अभी तक आप पढ़ रहे थे, कि हमारे जो सेल है सूखा साखा सा सेल, ठीक है, उसमें आपने क्या किया, उसको आपने पानी में डाल दिया. ठीक है, उसको आपने पानी में डाल दिया और वो क्या हो जाएगा मैम, वो हमारा स्वेल अप हो जाएगा. ठीक, चलो जी देखो जी, कहानी कहीं ना कहीं से ऐसी स्टार्ट हुई थी कि इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच वॉटर इज एब्जॉर्ब बाय सॉलिड. सॉलिड्स हमारे, जिनको हम कोलॉइड्स भी कहते हैं. अच्छा, कोलॉइड्स हमने कहां वर्ड पढ़ा है, कोलॉइड्स हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसके अलावा कहीं पढ़ा है? बोलो बोलो. नहीं बच्चा जी, पढ़ा है अगार, सॉरी एल्गी वाला चैप्टर जो था हमारा, याद है एल्गी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, जब एल्गी जो होती है हमारी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी वाली जो थी, जो स्पेस ट्रेवलर्स यूज कर रहे थे. उसके अलावा मैंने आपको क्या कहा था, कि वो ऐसे करके श्रिंक फॉर्म में ऐसे करके मार्केट में प्रेजेंट होती है, और फिर जब हम उनको किसी में डालते हैं तो वो पूरी फूल जाती है. तब आपने पढ़ा है ये, थोड़ा सा एक बार जाके रिवाइज करना प्लीज प्लांट्स वाले चैप्टर में, है ना. तो ये वही वाला पार्ट है हमारा, कि इफ अ टाइप, इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच वॉटर इज एब्जॉर्ब बाय सॉलिड्स. सॉलिड्स हमारे क्या है, वॉटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इंक्रीजिंग देयर वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम को इंक्रीज करके. एग्जाम्पल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर बाय सीड्स एंड ड्राई फूड. ठीक है, जैसे हमारे सीड्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, या फिर हमारी जो लकड़ियां हैं वो भी उनको एब्जॉर्ब कर लेती है. द प्रेशर ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ वुड कैन बी कैन स्प्लिट रॉक्स. क्या कह रहे हैं ये, वो प्रेशर जो हमारा इनके पास होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, द प्रेशर ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ वुड, उससे हम चट्टानों तक को फाड़ सकते हैं. ठीक है, तो इट इज सेइंग दिस थिंग, सीडलिंग्स आर एमर्ज्ड आउट ऑफ द सॉइल ड्यू टू इम्बाइबेशन प्रेशर. जो हमारे सीडलिंग्स निकलते हैं, सीडलिंग समझ में आ रहे हैं, बीज. ठीक है, आपने देखा होगा कि जंगलों में कैसे होते हैं, क्या जंगल में कोई पेड़ लगाने जाता है, क्यों, फिर भी हमेशा हरा भरा रहता है. तो क्या कहानी चल रही है, क्योंकि हमारा जो सीडलिंग है वो मैम वहां पे ऐसे ही बाहर आता है. ठीक है, एक तो ये वाली कहानी क्या कह रहे हैं, जस्ट वन सेकेंड विवेक. ठीक है, कि जब आप एक छोटे से बीज को उसमें लगाते हो मिट्टी में, है ना, तो उसमें से वो क्या होती है, पूरी की पूरी वो बन के रेडी होके प्लांट बन के बाहर निकल के आता है, जस्ट वन सेकेंड. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सीडलिंग जो है हमारे सॉइल्स को तोड़ के निकल के आए हैं. ठीक है, हाँ जी विवेक बताइए. विवेक क्या पूछ रहे हो, हैंड रेस करके खड़े हो गए यहाँ पे. हेलो मैम, आवाज आई? नहीं जी, अब आई आवाज आपकी.
हेलो मैम, आवाज आई आपकी? बस इतना समझ में आया मैम, वो एक क्वेश्चन याद आ गया बताएं जी मैम, वो जो अच्छा मैम तुम्हारे इस वीक को ना टेस्ट में डिस्कशन भी नहीं किया। बताओ बताओ। मैम जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें लास्ट प्रोसेस सीडलिंग होगा। हाँ जी विवेक, डबल फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट निकलता है वो सीड्स होते हैं। सीडलिंग नहीं कहोगे विवेक, आपको दोनों चीजों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक सीड होता देखो मैं है, इससे हट के पूछ रहा एक हूँ। सीड। नहीं नहीं वो मैं आपको सही कह रही हूँ, बट आप जो वहां पे वर्ड यूज करोगे ना विवेक, उसके लिए आप सीड वर्ड यूज करोगे। अल्टीमेट रिजल्ट जो हमारे डबल फर्टिलाइजेशन का होता है वो क्या है? फ्रूट्स बनना। देखा है ना आपने कैसे बनता है? पहले आम के पेड़ पे, वो बोलते नहीं जैसे मतलब नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं कि आम के पेड़ पे बौर आ गई, ऐसे करके बोलते हैं, यही बोलते हैं शायद। आई डोंट नो, तुम लोग तो दिल्ली वाले थोड़े मॉडर्न लोग हैं, बट हम लोग तो गांव वाले लोग हैं, तो हमारे तो यही बोलते हैं कि जब आम के पेड़ में अप्रैल मई के महीने में क्या आता है, पूरा ना पेड़ में फ्लारिंग 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 आई होती है भयंकर तरीके से, ठीक है? तो उसको उनका फूल बहुत छोटा सा होता है, पिद्दी सा, इनफ्लोरेसेंस काफी टाइट होता है उनका, मतलब काफी हाई लेवल का होता है, डेंस वाला। तो वो क्या हम उसको बोलते हैं ना, हम लोग गांव भाग की भाषा में बोलते हैं कि उसमें ना बौर आई हुई है। तो उसके बाद क्या होता है, वो जो है फ्लावर होता है, ठीक है? वो क्या होता है, प्लांट का, आम के पेड़ का फ्लावर होता है। फ्लावर से वो क्या बना, फ्रूट बना। उस पर्टिकुलर फ्लावर जब हमारा झड़ जाता है तो वहां से हमारा फ्रूट बनता है। और फ्रूट के अंदर क्या होता है विवेक? फ्रूट के अंदर ही तो होता है मैम सीड, है ना? तो ये सीड जो है ना, ये फ्लावर से पहले वाला प्रोसेस जो डबल फर्टिलाइजेशन है ना, ओके हाँ जी, ये इससे पहले वाला प्रोसेस है, ठीक है? ये फ्लावरिंग प्लांट्स में होगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना फ्लावर के अंदर ही होता है हमारा, फ्लावर के अंदर ही तो होता है ना गाइनोशियम और एंड्रो, क्या बोलते हैं ये, क्या है ये दोनों हमारे, गैमीट्स वेमीट्स, एंथर और ये सब चीजें, ये सारी चीजें कहाँ होती है, फ्लावर में मैम, ठीक है? एक मेल फ्लावर, एक फीमेल फ्लावर, फिर उससे हमारा फ्रूट बनता है, फ्रूट से सीड बनता है, ठीक है? अभिवेक आई होप आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा इससे। चलो अब क्या आ गया मैम कि हमारे इम्बिबिशन, ठीक है, इम्बिबिशन को क्या क्या चीजें जो हैं रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड मतलब सीधा सा मतलब होता है कि फैक्टर्स, क्योंकि कभी कभी ना दो नंबर के क्वेश्चन में यही आ जाता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इम्बिबिशन। तो क्या है, पहला तो आपको खुद से पता होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि यही किशमिश अगर तो आप पानी में डाल दोगे तो वो मैम फूल जाती है, ठीक? बट अगर यही किशमिश हमने ऑयल में डाल दी तो वो वैसी की वैसी पड़ी है। तो ये मतलब क्या हुआ कि मैम उसका जो हमारा ये सॉल्यूशन था उसके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में कुछ डिफरेंस है, ठीक है? तो डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। दूसरा क्या कहना है, वॉटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड एम्बाइडेड। वही चीज फिर से कि यही जो हमारा जो हमने जो भी हमने जो है लिक्विड लिया है उसमें और उसका जो है क्या बोलते हैं उसमें एब्जॉर्बेंट करने का प्रोसेस कितना है और उसका वाटर पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि पानी ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, और नेगेटिव की तरफ। वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी, ठीक है? वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एब्जॉर्बेंट, जिसको एब्जॉर्ब करना है, एंड द लिक्विड, ठीक है? ये बात समझ लो ध्यान से। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला है, दोनों ही अलग अलग मतलब है। पहला पॉइंट है मैम हमारा कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस, दूसरा पॉइंट है मैम हमारा एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट यहाँ क्या है, किशमिश इज योर एब्जॉर्बेंट, क्योंकि वो चीज को एब्जॉर्ब कर रही है, और जिस लिक्विड में हम डाल रहे हैं उसका वाटर पोटेंशियल क्या है, ठीक? चलो अगला क्या है, एफिनिटी। दोनों की एफिनिटी क्या है, किस किस की, जो एब्जॉर्ब होगी और जो हम लिक्विड यूज कर रहे हैं। तो ये तीनों पॉइंट बता पाओगे आप? बोलो कौन कौन से फैक्टर्स बताए मैंने, आंसर पहला बताएगा, रुको 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 मैं बताती हूँ। पहला बताएंगे विवेक, दूसरा बताएंगे अभिषेक, और तीसरा बताएंगी मुस्कान। बताए जी, एक एक बताते जाओ। वैम विवेक बताइए कौन से फैक्टर्स चाहिए होते हैं? मैम एफिशिएंसी बिटवीन अब्सॉर्प्शन एंड लिक्विड। ओके पहले मुस्कान ने अपना बता दिया एफिशिएंसी, ओके जी। दूसरा वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है मैम। अभिषेक ने बता दिया, विवेक आप आज पीछे रह गए, हाउ शॉकिंग इट इज। क्यों विवेक जी, आवाज आवाज नहीं आ रही क्या? अरे मैम पल्ला ही नहीं पड़ा हमारे। चलो कोई बात नहीं,
देखो एक ये वाला बताया हमारे को अभिषेक ने, एक बताया मुस्कान ने, क्या एफिनिटी। देखो विवेक आपको बहुत सिंपल से याद रखने का तरीका बता रही हूँ मैं। पहला पॉइंट आप याद रखना एफिनिटी मैम, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैम हमारा क्या है, वॉटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर डिफरेंस इन, डिफरेंस वाला साइन ऐसे बनाया करो, ठीक है, डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब याद हो गया आपको एफिनिटी भी हमें किस किस की देखनी है, एब्जॉर्बेंट की, जो चीज एब्जॉर्ब होगी, और हमारे लिक्विड की। वाटर पोटेंशियल भी हमें किसका देखना है, एब्जॉर्बेंट का और लिक्विड का। क्यों विवेक जी याद हुआ? चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं विवेक, अब आप तीनों बता दो यार एक बार में, आज आपने आंसर ज्यादा दिया। एफिनिटी, एब्जॉर्बेंट की और एफिनिटी, एब्जॉर्बेंट और एफिनिटी, एब्जॉर्बेंट एंड लास्ट। विवेक जी भांग वांग तो नहीं खा लिया हो आज कहीं आप? वाटर पोटेंशियल एंड डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। चलो जी पढ़ लीजिएगा ध्यान से। अब ये हमारा क्या है ना बच्चा जी, इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड माइंड मैप, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चा जी इसे मैम, इसे हम माइंड मैप कहते हैं। माइंड मैप क्या है मैम, बट माइंड मैप आपको समझ में कब आएगा? माइंड मैप समझ में आपको तभी आ सकता है जब आपने इंटायर चैप्टर पढ़ा है। अभी अगर मैं ये वाला पार्ट आपका फर्स्ट में डाल देती तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। बट कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको अभी भी पता नहीं है कि हमने ये वाला पार्ट नहीं पढ़ा है? एनीवन? मेरे अकॉर्डिंग हम लोगों को यूनिपोर्ट, सिंपोर्ट, एंटीपोर्ट तीनों आते हैं, ठीक। ऑस्मोसिस पता है, प्लाज्मोलिसिस पता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पता है, डिफ्यूजन पता है, एक्टिव ट्रांसफर पता है, वाटर पोटेंशियल पता है, उसका फॉर्मूला ये पता है, और एम्बाइबिशन भी पता है, ठीक है। तो ये हमें पूरा का पूरा चार्ट जो है वो क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे ठीक, चलो चलिए जी, ठीक है जी। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक, जो मैंने तीन टॉपिक्स का टारगेट बनाया था, आई एम वेरी हैप्पी, हमारा तीन टॉपिक का टारगेट खत्म हो जाएगा आज, ठीक है। चलिए जी, यहाँ दो पेज हमें करने हैं, बट मेरे को लगता है और भी ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, क्या कहानी है अभी तक मैम आपने ये क्यों नहीं बोला, क्योंकि अभी तक हम जितना भी पढ़े हैं ये पूरा एंटायर माइंड मैप ये किसके लिए है जी, दिस इज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। क्यों विवेक जी रिलेट कर पा रहे हो? शॉर्ट डिस्टेंस डिफ्यूजन लिख रही हो, बताओ, इतना दिमाग में डिफ्यूजन घुसा पड़ा है कि डिफ्यूजन ही लिख रही हो, शॉर्ट डिस्टेंस प्लांट्स के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए। देखो जी अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, ये सारा का सारा हमने कहां तक का पढ़ा है, सेल तक का, राइट, एक सेल से दूसरे सेल तक। बट क्या इंटायर प्लांट में ऐसा कहानी चल सकता है? नहीं मैम, नहीं चल सकता, छोटे से छोटे पार्ट तक में तो ठीक है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना शॉर्ट डिस्टेंस प्लांट के लिए कौन कौन से दो प्रोसेसेस थे, बोलो बोलो, शॉर्ट डिस्टेंस प्लांट्स के लिए कौन कौन से हमारे, सॉरी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए कौन कौन से तरीके थे हमारे दो मैम, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बच्चा डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो ठीक है, बट हमने उसके लिए कुछ और वर्ड भी यूज किया था। चलो जी कोई बात नहीं, तुम्हारी क्लास की याददाश्त कभी कभी चली जाती है, बट आई एम वेरी हैप्पी ईशा दैट यू आर रिस्पॉन्डिंग टुडे, ऑल्दो यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, आपके नंबर अच्छे आते हैं, बट आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, दैट्स वेरी इरिटेटिंग। चलो बिल्कुल सही बोला इसलिए लड़की ने, लगभग डिफ्यूजन हमने पढ़ा था मैम, हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, ठीक है, हमने ब्रीफ में नहीं पढ़ा वो, ठीक है। बट आपको मैंने एक और चीज भी बताई थी बच्चा, दैट वाज योर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, याद आई अब थोड़ी सी याददाश्त? चलो
चलो जी आगे कहानी क्या है हमारे पास, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर क्या है मैम ये। चलो जी मैम इसको भी देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा ऑस्मोसिस मोस्ट ऑफ द टाइम, अब यहां से स्टार्ट होगा हमारा प्रॉपर डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन आपको पता है कि एक स्लो प्रोसेस है, हाँ मैम हमें पता है ये बात, इट अकाउंट्स फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट, हाँ जी मैम ये भी हमें पता है, अभी तो सिखाई हो आप। एग्जाम्पल, टिपिकल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस अ टिपिकल प्लांट सेल, एक सेल से दूसरे सेल तक जाने के लिए क्या डिफ्यूजन, ठीक है ठीक। चलो जी जैसे कि क्या बोल रहे हैं कि 2.5 सेकंड लगते हैं हमें एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए, ओके मैम ये पॉइंट भी हमें क्लियर है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, जो यहाँ का नया टॉपिक स्टार्ट होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स आर नेसेसरी टू मूव सब्सटेंस फास्टर अक्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है कि एक हमें डिफ्यूजन कैसा है, स्लो प्रोसेस है बट हमको पेड़ को पानी जल्दी से पहुंचाना है। ठीक है, आपको भूख लगी है, अगर आप ऐसे खाना खा रहे हो, जब भूख लगती है कैसे खाते हो, ठीक है, और हम जैसे को तो इतनी तेज की लगती है कि हमारा मन करता है कि खाना मुंह में बाद में जाए, पहले पेट में चला जाए। ठीक है, कभी कभी इतनी तेज वाली भूख लगती है ना, और यूजुअली फास्ट में, वो जो और जो कान्हा जी का फास्ट रहता है ना, क्या जन्माष्टमी रात में 12 बजे खाते हैं जिसमें, ठीक है अब आप लोग का मुझे पता नहीं बट हमारे तो 12 बजे रात में खाते हैं, तो उस टाइम तक तो ऐसे वाला लेवल है कि भाई कब 12 बजे कब आरती हो और कब खाना पे खा मिले हमें। ठीक है, तो वही कहानी इनके साथ भी है कि पेड़ों को भी पानी, जब कोई भी चीज का, अब पानी ही नहीं, मेरे मुंह से हमेशा पानी निकलता है बट पानी को आप समझ लो कि हर एक सब्सटेंस की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, हर एक सब्सटेंस क्या चाहिए, जल्दी जल्दी फास्टर, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा तरीका है, उसके लिए मैम जो तरीका है उसे हम कहते हैं मास फ्लो। क्या कहते हो बच्चा, मास फ्लो, छोटा कैसे सिलेक्ट हो गया। चलो देखो, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन बल्क, मूवमेंट कैसा हो रहा है बच्चा, बल्क में, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, दो पॉइंट्स में प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से, अभी देखा था ना प्रेशर डिफरेंस का क्या इंपॉर्टेंस था, यहाँ पे देखा था वाटर पोटेंशियल वाले केस में, भले ही वो शॉर्ट डिस्टेंस का था बट कैसे मैंने आपको समझाया था, -10, -100, -1000, -10000, ठीक है ऐसे पढ़ा था। अब खुद से एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना कि मैम, अरे यार काम कम रुको, ठीक है कि मैम अगर हम, चलो अगर ये इतना ही रहे, ठीक है क्या पानी मूव करेगा, सब में -100, -100, -100 है, आपको क्या लगता है पानी मूव करेगा, नो मैम। तो वही ये चीज तो यहाँ पे भी है, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आया वाटर पोटेंशियल से एंड मास फ्लो या बल्क फ्लो से, नहीं ना, इतना से बात, अभी कहानी समझ में आ रही है ना, बस आज के लिए ज्यादा कहानी ओवरडोज नहीं बढ़ाऊंगी मैं, बट थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा। ठीक है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन बल्क, वहां पे मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल का हो रहा था, स्लो मूवमेंट हो रहा था बट ट्रांसपोर्ट हो रहा था मोर नेगेटिव की तरफ, वही चीज यहाँ पे है बट मूवमेंट कैसा है, बल्क में है। ठीक है, बहुत बल्क मतलब कि बहुत ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन बल्क फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स में प्रेशर डिफरेंस है, वही चीज अगर आप हम लगा दे तो कैसे मूवमेंट कैसे होगा मैम, यहाँ 0 है, यहाँ 10, यहाँ 100 और यहाँ पे मैम आप कर दो 1000, तो ये प्रेशर डिफरेंस आ गया हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ये इसमें क्या है, कम है, ये जितना नेगेटिव होता जाएगा उसका मतलब है पानी का रिक्वायरमेंट उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, उतने प्रेशर से उसको खींचेगा। ठीक, तो इसी को आप कहते हो मास फ्लो या बल्क फ्लो, और इसी हिसाब से हमारे पास वाटर मिनरल फूड जो है मूव करते हैं। ये स्लाइड क्लियर हुई बच्चा, कोई भी पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, सबको क्लियर है ना, एक एक बच्चे को। ठीक है, मास फ्लो क्या है, बल्क फ्लो क्या है, एक ही बात है वो दोनों, बट हमारे यहाँ मूवमेंट ऐसा ही चल रहा है। ठीक, चलो अब आगे कहानी क्या है, इन मास फ्लो में क्या हो रहा है, सब्सटेंस आर स्वेप्ट अलोंग एट द टाइम एट द सेम पेस एज इन फ्लोइंग रिवर, वही चीज जैसे हमारी फिर से वही वाली बात आ गई कि मास फ्लो में क्या हो रहा है कि सब्सटेंस हमारे कैसे स्वेप्ट, मतलब क्या होता है, ऐसे बह रहे हैं जैसे कि हमारा पानी बह रहा होता है। ठीक है, जैसे नदियों का पानी बह रहा होता है, वही बस एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, कुछ अलग सा इन्होंने नहीं कहा इसमें। ठीक है, बट इन डिफ्यूजन डिफरेंट सब्सटेंस मूव इंडिपेंडेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, डिफ्यूजन से अगर आप इनको अलग कर रहे हो
तो कैसे कर रहे हो कि मैम मास फ्लो में क्या है, सब एक झुंड में है, जैसे नदी का पानी बह रहा होता है वैसे बह रहा है, ठीक। बट डिफ्यूजन में क्या चल रहा है मैम हमारे साथ, डिफ्यूजन में हम कैसे देख रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कितना है, और जो है क्या बोलते हैं सब्सटेंस जो है कैसे मूव कर रहा है, कि जहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही मूव करता है, करेक्ट। ऐसे कुछ पढ़ा था हमने? हाँ जी मैम, हमने कुछ इसी तरीके से पढ़ा था, किसमें, डिफ्यूजन में। बट क्या ऐसा मास फ्लो में देखा? नहीं मैम, मास फ्लो में क्या जो है जितना है सब मूव करेगा, ठीक है। बल्क फ्लो इज अचीव्ड आइदर अ पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और अ नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। अब ये जो हमारा बल्क फ्लो है वो जरूरी नहीं है कि जैसे हमारा वाटर पोटेंशियल नेगेटिव था ये भी हमारा नेगेटिव हो, ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। कहाँ पे कौन सा है एग्जाम्पल, अगर आपका पॉजिटिव का पूछेंगे तो गार्डन होज में, ठीक है, गार्डन में, और हमारा जो ये वाला है तो ये कैसे, सक्शन थ्रू स्ट्रॉ। क्या मैम समझ में नहीं आया? गार्डन होज का मतलब ये है कि आपको पता है कि गार्डन वाले में हम लोग को प्लांट्स को क्या रखना होता है, हमेशा हरा भरा रखना होता है, राइट। और हमारा सक्शन थ्रो स्ट्रो मतलब स्ट्रॉ मतलब कौन सा, आपको पता है ना जब हम लोग क्या बोलते हैं खेत वेत में जब होता है, तो मुझे पता है तुम में से बहुत सारे लोगों ने खेत शायद जिंदगी में देखे भी नहीं होंगे, तो खेत पहले स्टार्टिंग में हमारा हरा भरा रहता है, राइट। जब उसमें से धान वान जो होता है, अच्छी बात है विवेक अगर आपने देखे हो, बट बहुत सारे लोग है ना ऐसे जिन्होंने नहीं देखे होंगे, धान वान समझते भी नहीं होंगे, जब धान वान सब निकल जाता है तो कैसा हो जाता है, ग्रीन से येल्लो, राइट, कैसा हो जाता है येल्लो हो जाता है, तो वो क्यों हो जाता है, नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगता है वहां पे, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना ये बात, येल्लो, ये हमारा ग्रीन से हमारा खेत येल्लो हो रहा है पानी, जब उसमें से पानी उड़ गया, अच्छा बट ये क्यों बना रही हूं मैं, क्योंकि धान तो हमारा निकल गया ना, जब धान हमारा निकल जाता है तो ये हमारा ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, स्ट्रॉ मतलब सूखी घास फूस, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है, ये मैम नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, ठीक है, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से होता है। और ये हमारा अगर उल्टा चलाएं हम कि ये ग्रीन येल्लो से ग्रीन कब रहता है, जब पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहता है, ये बात याद रह पाएगी आपको, बोलो बोलो ये बात याद रहेगी? हाँ जी मैम याद रहेगी। अब एक और तगड़ी लाइन आती है, तीसरी पॉइंट ये था और चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्या मैम जो विवेक जी आपने आंसर दिया था सबसे पहली क्लास में, हाँ जी प्रियंका क्या पूछना है प्रियंका? क्या आप प्रियंका लास्ट वाला लाइन बस इतना सा है कि जब हमारा आपने देखा ना जब हमारी जो क्या बोलते हैं बल्क इज अचीव बल्क फ्लो इज अचीव्ड आइदर हमारा जो बल्क फ्लो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर दोनों ही लेके चल सकता है। नेगेटिव कब लेगा, जब हमारे को ना पानी का लॉस करवाना है, ठीक है प्रियंका, जब हमें वाटर लॉस करवाना है, क्योंकि हमारा जो जैसे कहते हैं ना आपको पता ना फसल जो होती है वो 6 महीने के अंदर बनके हमारी रेडी हो जाती है, फिर हम क्या करते हैं उसकी कटाई छटाई करते हैं, और बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, जब हमारी फसल कब बिल्कुल ग्रीन होती है उसके बाद जब वो येल्लो होना टर्न होती है तब हम, तभी तो आप उसका धान वान निकालते हो, राइट, ग्रीन में थोड़ी ना निकाल लेते हो। मुझे पता है कि तुम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, बट अभी सुन लो समझ लो कि जब हमारा ग्रीन होता है तब तक हमारा जो सीड है उसके अंदर पक रहा है, बट जब वो येल्लो होने लगता है ना तो वो येल्लो मैम कैसे हो रहा है, क्योंकि उसमें से पानी को हम निकाल रहे हैं, हमको पानी का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो प्रोसेस कौन रन करवाता है, नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। बट अगर आपको क्या है, जैसे आपका प्लांट है वो सूख गया है दिन में, ठीक है, बट आपको क्या करना है उसको हरा भरा करना है, तो आप क्या करते हो उसमें पानी डाल देते हो, तो क्या आपने जनरेट किया एक, क्या हमारे उसमें नेगेटिव पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को जनरेट किया, ठीक है। तो ये वही वाली कहानी है प्रियंका। अब लास्ट लाइन क्या कह रहा है मैम, कि जो ये बल्ब में मूव हो रहा है, पहली बात तो उनको मूव कौन करवा रहा है, तो उनको मूव करवा रहा है, उसको मूव करवा रहा है हमारे कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है, उसको मूव करवा रहे हैं हमारे कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है, उसको हमारा कंडक्टिंग टिश्यूज जो है वो कंडक्ट करवा रहे हैं। और कंडक्टिंग टिश्यूज मतलब क्या, हमारे वैस्कुलर टिश्यूज, दैट इज योर जाइलम एंड फ्लोएम, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक जी। चलिए जी, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा आज का पाथवे है ये, तो अगर आप चाहते हो कि हम आज पढ़ें तो ठीक, वरना हमारा क्लास आज के लिए इतना तक का बहुत है,
वरना ये फिर से तुम्हारा ओवरलोड हो जाएगा। दो तीन टॉपिक ये, चार पांच करो। बताइए जी, अगर किसी को छोटा सा टॉपिक हम लोग को करना चाहते हो तो हम छोटा सा टॉपिक कर सकते हैं, वरना अभी हमारे पास 6 टॉपिक्स हैं और 3 डेज हैं करने के लिए। बताइए जी, ये वाला थोड़ा सा देख लें, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट वाला पाथवे। 5 मिनट के लिए, बस 5 मिनट बाद क्लास एंड कर देंगे हम। व्हाट डू यू से, कर सकते हैं ना? चलो ठीक है, चलो अगर बोर हो रहे हो तो बता दो, बट ये टॉपिक अच्छा है। अब यहाँ से टॉपिक हमारे अच्छे रहेंगे, बस वही थोड़े से लेंदी लेंदी टॉपिक्स हैं, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो ये मैम हमारा चीजें हैं वो बल्क में मूव कर रही हैं और इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलोकेशन। ठीक, ये हमारा है। चलो जी, अब दूसरी कहानी क्या है मैम कि एब्जॉर्प्शन हो कैसे रहा है। ठीक है, अभी तक तो मैम आप सीड का बता रहे थे, सीड में कैसे हो रहा था, हमने पानी में डाला, सोल्यूशन में डाला और वो मैम हमारा फूल जा रहा था। करेक्ट, यही पढ़ा था हमने। हाँ जी मैम, यही पढ़ा था। बट पानी की कहानी क्या, प्लांट्स की कहानी क्या है, क्योंकि सीड तो हमारा क्या है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो हमारा क्या है, डोरमेंट स्टेज। सुना है ना आपने कि डोरमेंसी में चला जाता है, अगर आप ये कह लो कि वो एक तरीके से डेड है। करेक्ट, उसको दर्द थोड़ी ना हो रहा है ना, दर्द तो हमारे प्लांट्स को भी नहीं हो रहा है, बट प्लांट्स हमारे लिविंग होते हैं। बट सीड हमारा क्या है, प्लांट से निकल चुका है, वो डोरमेंसी में चला गया, जब उसको मॉइस्चर मिलेगा, पानी मिलेगा, तब वो ग्रो करेगा। तो यहाँ पे मैम पानी एब्जॉर्प्शन कैसे होगा रूट्स में, क्योंकि रूट कैसी है मैम, लिविंग है। तो अब देखो जी कहानी, यहीं से मेन कहानी हमारी शुरू होती है। आज की क्लास में हम रीडिंग मार लेते हैं, कल इसको रिवाइज करते हुए साइकिल बना के चल लेंगे। ठीक है, जस्ट 5 मिनट की क्लास है, ज्यादा से ज्यादा 8:05 तक। ठीक, फिर जिनको कुछ प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, वो रुके, बाकी लोग बाय बाय, गुड नाइट। चलो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अकर बाय डिफ्यूजन थ्रू मिलियंस ऑफ रूट हेयर्स प्रेजेंट ऑन द रूट टिप्स। क्या पहला पॉइंट कह रहा है ये कि वाटर और मिनरल्स हमारे कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ये अगर आपका डाउट हो रहा हो ना, तो ये पता है क्या है बच्चा, जस्ट 1 सेकेंड, इट इज नथिंग बट योर रूट। हमारे जो प्लांट है उसका जो रूट्स होती हैं, ठीक है, उसकी हमने एक रूट का ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट को ना जूम कर दिया है, इतने से पार्ट को हमने, मैम जूम जब करोगे ना तो ये कुछ आपको सेल्स इस तरीके से लगे हुए नजर आएंगे। ये जो सबसे लास्ट वाला सेल होगा, आपको पता है ना, इन रूट हेयर्स में से भी ऐसे करके कुछ कुछ निकल रहे होते हैं, है ना, पढ़ा होगा आपने ये, तो ये हमारे रूट हेयर्स के ही एक्सटेंडिंग वाले पार्ट्स हैं, कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ठीक, अब ये क्या कह रहे हैं, चलो जी मैम फिर से इसको देखते हैं हम। देखो, ये रहा पहला पॉइंट, तो ये हो गया कि एब्जॉर्प्शन जो होगा वाटर और मिनरल का डिफ्यूजन के थ्रू होगा मिलियन ऑफ रूट हेयर्स जो कि हमारे रूट टिप्स पे प्रेजेंट है। ओके मैम, सेकेंड पॉइंट कह रहा है ये, रूट हेयर्स इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। रूट हेयर क्या कर रहे हैं, इनका काम है मैम सरफेस एरिया को बढ़ाना, एब्जॉर्प्शन, पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाना। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, द एब्जॉर्ब वाटर इज मूव्ड डीपर इनटू द रूट हेयर्स। अब जो ये पानी एब्जॉर्ब हुआ है ना, वो हमारी, देखो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, इसमें ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इस वाले में थोड़ा सा ज्यादा क्लियर दिखेगा आपको, कैसे, क्योंकि ऐसे देखो ये कह रहा है, जो आपने यहाँ से ना मैम यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल था, वो क्या हुआ, इसने एब्जॉर्ब किया, इस रूट हेयर ने एब्जॉर्ब किया यहाँ से, ये इसकी पहली लेयर है। आपको क्या लगता है, एक सिंगल लेयर होती होगी यहाँ पे? नहीं मैम, यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स हैं, ठीक है, मल्टीपल ऑफ लेयर्स हैं, ठीक है, और बहुत सारी लेयर्स कैसी है हमारी, बहुत सारी लेयर्स मैम हमारी ऐसी भी हैं जो पानी को रोकेंगी कि नो बेटा यू आर नॉट अलाउड टू गो। ठीक, चलो जी, द वॉटर, सॉरी द एब्जॉर्ब वॉटर इज, सॉरी जस्ट 1 सेकेंड, द एब्जॉर्ब वॉटर इज मूव डीपर इंटू रूट लेयर्स बाय दो पाथवेज। अब ये दो पाथवे का नाम क्या है हमारा, एपोप्लास्ट पाथवे एंड हमारा सिम्प्लास्ट पाथवे। मैम इन दोनों की भी कहानी थोड़ी सी समझा दो, है ना, या नहीं समझनी आज, बोलो जी, यहीं तक रख ले फिर आज। क्या हो गया प्रियंका जी, यहीं तक रख लें, चलो जी ठीक है, फिर आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, कल की क्लास हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक, कि मूवमेंट जो है कहां से कहां होता है, बस एक काम कर लेना कि हल्का सा ये पढ़ के आना, ये रही मैम सेल वॉल, सेल वॉल से वो कहां पे आ रहा है, साइटोप्लाज्म में,
आपको मजा कब आएगा इसको पढ़ने में? आपको मजा आएगा मैम, जस्ट वन सेकेंड, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ हल्का सा पार्ट कि ना देखो, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान से देखते चलना कि क्या हो रहा है मैम। एक जो पान, ये जो एरोस दिख रहे हैं ना, ये आपको वाटर का मूवमेंट दिखा रहे हैं। जस्ट वन सेकेंड प्रियंका, बस लास्ट है, ठीक है? आई नो आपकी तबियत ठीक नहीं है, बट जस्ट टू मिनट, ठीक है? ये देख रहे हो, एक हमको दिखा रहा है मैम कि ये पानी कहाँ से मूव कर रहा है, अंदर से मूव कर रहा है ना? मतलब ये इसमें हमने दो ही सेल बनाए, बट आगे भी ऐसे ही होगा, है ना? ये मैम इसके अंदर अंदर मूव कर रहा है सिर्फ, ठीक है? और दूसरा अगर आप देखोगे तो ये मैम सेल वॉल में मूव कर रहा है। इसको मैं येलो से दिखा देती हूँ, ठीक है? ये मैम हमारा सेल वॉल में मूव कर रहा है, यही है हमारे एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पार्ट, ठीक है? ये ही आप पढ़ोगे कल की क्लास में, ठीक है? कि कब हमारा एपोप्लास्ट चलता है, कब सिम्प्लास्ट, ठीक? चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। अब अगर जिनको भी कुछ भी डाउट है, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, वो रुक सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्या कि आपका जो संडे वाला टेस्ट है बच्चा जी, मुझे तुम लोगों ने इस संडे वाले टेस्ट का स्क्रीनशॉट नहीं भेजा है। आज मैंने 12th वाले बच्चों का रिजल्ट एनालिसिस किया है, कल आप लोग का करूंगी बैठ के, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियंका, बहुत इंपॉर्टेंट है वो टेस्ट, ठीक है? आप में से बहुत सारे बच्चे को शिफ्ट भी किया जाएगा, एंड आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो इज अ कॉम्पिटिशन है, एक टीचर्स का ही कॉम्पिटिशन है। अब टीचर्स को तो आपस में नहीं कॉम्पिटिट करा सकते ना, तो उनके बच्चों के ही नॉलेज के बेसिस